सीरियल तो उसे नैना में लेके मैं खुशबू कहती है कि मुझे पागल मत बनाओ, बताओ तो क्या करने वाले हो। मेरा अवधेश भी बहुत गुस्से में है खुशबू के पीछे, कहता है देव नारायण कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे संजीव और राजीव भी तो हैं, केवल तुम्हारा अवधेश नहीं है, तुम सब कुछ बेच खाओगी, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो खुशबू कहती है वह तो कुहू के पीछे पागल है, कुछ भी कर सकता है, कुहू सब सुन रही होती है। और देव नारायण बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा एक बार कर चुका था, अब नहीं कर पाऊँगा। और यहाँ पर वह बोलता है कि जाओ तुम्हें जो करना हो करना। वह एक फाइल निकालती है, उसमें जो भी हो वह देखकर कहती है कि ये लो चूड़ी, ऐसी ही तो पहनी है खुशबू ने, इसी ने किया होगा जो भी किया है। खोल कर देखती है और कहती है मैं जाकर बताती हूँ बड़का बाबू को। इसके पास से दौड़ लगाती है, चिल्लाती है, कहती है कि हम आपके पैर पड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी बात मान लीजिए। देखिए उनके पास कोई कागज़ है, आप एक बार चल कर देख लीजिए कि कहाँ पर थे स्टोर रूम में, अगर ना मिले तो आप हमें जो सजा देना चाहें तो दे दें, हमने आपकी बातें सुनी हैं। और देख लीजिए आप यह है चूड़ी, और आप चेक कर लेना कि उनने पहनी हुई थी ऐसी चूड़ी, उन्हीं ने फेंकी है। वह ले जाते हैं स्टोर रूम में और जैसे ही खोलती है तो वहाँ पर जले हुए टुकड़े बसीयत के मिलते हैं। वह कहता है सही बात है, यही है वह टुकड़े, उसने कुछ ना कुछ जरूर किया है और वही है इन सब में शामिल। वह बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे हाथ से सब कुछ छिन जाएगा। पुरानी बातें याद करता है सिद्धेश्वरी की कि मैं उसे बंदूक मार रहा हूँ और उसने सब कुछ मेरा छीन लिया है, ऐसा ना हो कि मैं कंगाल हो जाऊँ, जैसा उसने पिछले मेरे साथ किया था वैसा खुशबू भी ना कर दे मेरे साथ और मेरे साथ चंदेली ना बचे, सब कुछ चली जाए। और बोलती है कि मैं आपको बताती हूँ और रास्ता भी दिखाऊंगी कि क्या क्या करना है आपको। वहाँ से चला जाता है देवनारायण और खुशबू भी दौड़ कर जाती है, फ़ोन लगाती है, चिल्लाती है राजीव को, लेकिन राजीव नहीं मिलता। खुशबू को भी चिल्लाती है, नहीं आती, कहती है चिल्लाओ कितना भी मैं सामने नहीं आऊँगी। देवनारायण कहता है एक बार बाहर आओ तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। यहाँ पर खुशबू छुप रहती है और राजीव भी नहीं मिलता कहीं।